बसमिल प्यारे दोस्तों अस्सलाम वालेकुम मैं उस्ताद ग़ुलाम रसूल आज का मौजू ये है गोट फार्मिंग से ज़्यादा मुनाफ़ा हासिल करने के लिए तीन काम बेहद ज़रूरी हैं उन तीनों कामों के बारे में मैं आपको ज़रूर इन्फार्मेसन देता हूँ और जो नए दोस्त आए हैं वो चैनल को शुरू सब्सक्राइब कर लें और लैक का बटन भी दबाएँ प्यारे दोस्तों तीन वो ऐसी चीज़ें हैं जो मैं आपके साथ शेयर करता हूँ कि फार्मर के लिए नफ़े और नुकसान के लिए बेहद एक जैसे कहते हैं एक मेन किरदार वाली है वो जी कौन सी चीज़ें हैं सबसे पहले तो जी जानवरों की जो डिवर्मिंग है वो अंदरूनी और बैरूनी जो पेट के कीड़ों के लिए और बैरूनी हिफाजत के लिए होती है वो हर तीन माह के बाद करनी बेहद ज़रूरी है और ये भी एक नफ़े और नुकसान में काफ़ी किरदार है इसका भी और नंबर दो जो है आप जी वैक्सीनेशन जो है तीन किस्म की वैक्सीन होती है वो भी करनी इसी तरीके से ज़रूरी होती है नंबर एक वो है पीपीआर नंबर दो क्लोरोनमोनिया और नंबर तीन पित्त सोजिश यानी इसको हम डिवर में कहते हैं ये जो है ये भी नफ़े और नुकसान के लिए काफ़ी से ज़्यादा जो है एक मदद, मददगार होती है और नंबर तीन वो है जानवरों के मैदे का मुकम्मल ध्यान रखा जाए और उनको पूरा रोज़ाना की बुनियाद पर हाजमोदा अच्छी क्वालिटी की कोई सी बना ली जाए जो उन जानवरों को रोज़ाना की बुनियाद पर दी जाए बेहतर है कि शाम को दी जाए तो मैं समझता हूँ ये तीन चीज़ें जो मैंने आपको बताई हैं ये चीज़ें नफ़े और नुकसान के लिए एक इनका अहम किरदार है हालांकि जो खुराकें हम खिलाते हैं वो बाक़ी बाद में रहता है यानी पहले नंबर पर ये तीन चीज़ें हैं जब आप इन तीन चीज़ों का ध्यान रखते हैं तो फिर आपकी जो इजाफ़ी ख़ुराक है जैसा कि गंदम चना मकई वग़ैरह आप इस्तेमाल करते हैं और उसी तरीके से खुशक चारा ज़्यादा फ़ायदा है मुफीद है और बाकी चीज़ें जो हैं उनका जो मैंने पहले तीन सी चीज़ें बताई हैं वो सबसे ज़्यादा अहम है अगर तो आप को कोई दूसरी गलती कर जाएंगे तो आपका जानवर थोड़ा कमज़ोर हो जाएगा लेकिन जान से भी नहीं जाएगा और फिर उसको आप सेहतमंद भी बना सकते हैं उसके साथ मेहनत करके लेकिन ये तीन चीज़ें वो हैं जो मैं समझता हूँ कि चाहे तो जानवरों के साथ जितना भी आप आला से आला ख़ुराक खिलाएं अच्छी आपका शेड भी अच्छा हो रिहाइश भी अच्छी हो और तमाम काम आपके सौ तो परसेंट दुरुस्त हों तब भी आपका मुनाफा जो है उठाना बहुत बड़ा तो प्यारे दोस्तों इन तमाम तीनों चीज़ों पर भी ध्यान दें और दूसरा भी मुकम्मल ध्यान दें मुनाफ़ा इंशाल्लाह अल्लाह पाक देगा तो आप मैं इजाज़त चाहता हूँ अल्लाह हाफ ना